उत्तर प्रदेश में मेरठ में कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश कि 86 अभियुक्तों से दंगा करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे पैसों की वसूली की जाएगी, इसका स्वागत होना चाहिए। अगर आप दंगा करोगे तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। ऐसा कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी लाया है, जहां पर दंगाइयों से अगर वो सार्वजनिक संपत्ति को या किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो पाई पाई का हिसाब उनसे लिया जाएगा और उनसे भरपाई करवाई जाएगी। और आज एक कोर्ट का भी ये जो फैसला आया है, इसका स्वागत होना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि जब भी कोर्ट ऐसे कोई फैसले लेता है, जब भी प्रशासन शासन कोई फैसले लेता है और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई होती है, तो दंगाइयों को बचाने के लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। हमने देखा है कि ये एनटीसीए दंगाइयों के पक्ष में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कुछ और दल केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते खड़े हो जाते हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन्होंने भी दंगा करके सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, क्या उसकी भरपाई उनसे नहीं होनी चाहिए? अब तो कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, इसका स्वागत होना चाहिए, राजनीति नहीं।